नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी हेल्थ में विटामिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये तो हम सबको पता है। तो आज हम विटामिन डी के बारे में जो क्विज वाले तरीके से नॉलेज लेंगे, तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्विज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डज विटामिन डी डू। विटामिन डी डी जो है वो क्या काम करता है। ऑप्शन ए है, कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रांग एंड हेल्दी बोन्स। ऑप्शन बी, हेल्प्स द ब्रेन फंक्शन। ऑप्शन नंबर सी, हेल्प्स द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आप 2 सेकंड सोचिए। ओके, तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखते हैं तो पूरी नॉलेज इस क्वेश्चन के बारे में हमें पता चल जाएगी। तो विटामिन डी हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द बॉडी एंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। विटामिन डी जो है ये हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, और दूसरा तो हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको इम्पॉर्टेंट मेंटेन भी करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प ब्रेन फंक्शन, कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रांग बोन। ये ब्रेन के फंक्शन में भी हेल्प करता है, बोन को स्ट्रांग रखने में भी हेल्प करता है, और तो और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में भी हेल्प करता है। द बॉडी यूज विटामिन डी टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड स्ट्रीम। हमारे ब्लड स्ट्रीम में, हमारे ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट जो है उसको रेगुलेट करने में विटामिन डी का यूज़ बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू ऑब्टेन इट्स विटामिन डी फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से विटामिन डी हमें क्या मिलता है या नहीं, या फिर हमारी बॉडी जो है ऐसे डिज़ाइन की गई है कि हमारे बॉडी में सनलाइट से विटामिन डी ले सकते हैं। तो ऑप्शन ए है ट्रू, ऑप्शन बी है फॉल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे क्या है। द बॉडी प्रोसीजर विटामिन डी ऑन इट्स ओन व्हेन द बेयर स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। हमारी बॉडी जो है विटामिन डी जो है खुद प्रोड्यूस करती है, बट जब सनलाइट आती है तो उसके सनलाइट में हमारी स्किन जब एक्सपोज होती है तब विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो दूसरा तरीका ये भी है विटामिन डी लेने का, वो है सप्लीमेंट। टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट आर अनदर वे टू गेट विटामिन डी। सम फूड कंटेन विटामिन डी, मतलब ये तीसरा तरीका है। विटामिन डी जो है वो हम कई सारे फूड में से भी लेते हैं, बट फूड अलोन विल नॉट प्रोवाइड इनफ विटामिन डी। विटामिन डी सिर्फ फूड से हमें हमारे बॉडी के लिए काफ़ी नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडीज एब्सॉर्ब। विटामिन डी जो है हमारे बॉडी में ऐसा क्या एब्सॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कैल्शियम। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखते हैं क्या है। विटामिन डी इज इसेंशियल फॉर द बॉडी टू एब्सॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड। विटामिन डी जो है बहुत ही इसेंशियल है, जो हमारे फूड से हम कैल्शियम लेते हैं वो कैल्शियम जो है वो हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी जो है वो इसेंशियल रोल प्ले करता है। ओके, तो विदाउट एडिक्वेट विटामिन डी लेवल द बॉडी टेक कैल्शियम फ्रॉम द बोन, वीकनिंग देम एंड प्रिवेंटिंग न्यू बोन फ्रॉम बीइंग द फॉर्म। मतलब दूसरा तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी कमी है, विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, तो हमारा बॉडी क्या करेगा, कैल्शियम जो है वो बोन में से लेगा और बोन जो है उसको वीक कर देगा, या फिर नया बोन बनने वाला है वो भी क्या हो जाएंगे, फॉर्म नहीं हो पाएंगे अच्छी तरीके से। कैल्शियम इज़ क्रिटिकल फॉर अ मेनी बॉडी प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट, नर्व्स एंड मसल एज वेल एज द ब्लड क्लॉटिंग। कैल्शियम जो है वो हमारी बॉडी के प्रोसेस में भी क्रिटिकली हेल्प करता है, जैसे कि हार्ट के मसल जो है उसके फंक्शन मेंटेन करना, नर्व्स में हेल्प करना, मसल जो है उसका फंक्शन जो है वो मेंटेन रखना, और तो और ये ब्लड क्लॉटिंग जो है उसमें एक
फैक्टर की तरह विटामिन डी काम करता है ब्लड क्लॉटिंग में. दूसरा है, मोस्ट पीपल डू नॉट गेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम दे नीड टू मेंटेन द हेल्थी बोन्स. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं. व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द विटामिन डी डिफिशियंसी. विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर है तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे. तो ऑप्शन ए है फटीग और टायर्डनेस, ऑप्शन बी जनरल एक एंड पेन्स, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. तो इसका राइट आंसर क्या होगा. राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. तो एक्सप्लेनेशन भी हम देखते हैं इसका क्या है. द सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी कैन बी नॉन स्पेसिफिक सच एज फटीग एक एंड पेन्स. अदर पीपल हु हैव विटामिन डी डिफिशियंसी मे नॉट नोटिस एनी सिम्टम्स. कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होने से भी क्या होता है, सिम्टम्स नहीं दिखाई देते. बट पीपल विथ सीवियर विटामिन डी डिफिशियंसी कैन हैव सिम्टम्स लाइक अ बोन पेन, वीकनेस, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन. मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें विटामिन डी की सीवियरली डिफिशियंसी रहती है, तो उन लोगों में ये सारे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि बोन पेन, वीकनेस, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन. अदर सिम्टम्स कैन इंक्लूड जैसे कि गम्स डिसीज होना, फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर होना बोन में. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं. सॉफ्ट वीक बेंडेबल बोन इन चिल्ड्रंस डिस्क्राइब अ डिसीज कॉल्ड. चिल्ड्रंस या बच्चों में बोन्स का एक डिसीज़ है जो जिसमें सॉफ्ट वीक और बेंडेबल बोन्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं. तो ऑप्शन ए है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी है सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी प्रोजेरिया, ऑप्शन डी रिकेट्स. तो इसका सही आंसर क्या होगा. राइट आंसर इज विटामिन डी, सॉरी ऑप्शन डी रिकेट्स. तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखते हैं क्या है. रिकेट्स इज अ डिसीज ऑफ चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट दैट अफेक्ट ग्रोइंग बोन. रिकेट्स ऐसा एक डिसीज है जो कि चिल्ड्रंस का है या एडोलेसेंट का भी हम बोलते हैं इसको, जिसमें बोन की ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है. इट लीड टू सॉफ्ट वीक बोन एंड दैट कैन कॉज डिफॉर्मिटी एंड शॉर्ट. इसमें बोन्स जो है वो सॉफ्ट वीक हो जाते हैं, इससे डिफॉर्मिटी भी हो जाती है. रिकेट्स रिजल्ट फ्रॉम द फेल्यूर ऑफ द ग्रोइंग बोन टू कैल्सीफाई प्रॉपरली. मतलब जो नए बोन आते हैं या फिर ग्रो करते हैं बोन, उसमें कैल्सिफिकेशन जो होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है. सम सीवियर केसेस हैव बीन एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेटरी फेल्यूर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं. व्हाट आर द फूड दैट आर हाई इन विटामिन डी. कौन से ऐसे फूड है जिसमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है. तो ऑप्शन ए है फैटी फिश, ऑप्शन बी रोमेनलिटिस, ऑप्शन सी वाइट पोटैटोज, ऑप्शन डी डेट्स. द राइट आंसर क्या होगा. ओके, राइट आंसर इज अ फैटी फिश. फैटी फिश में ज़्यादा रहता है. तो एक्सप्लेनेशन भी हम इसका देखते हैं उसके साथ में. देर आर वेरी फ्यू फूड्स दैट आर नेचुरली हाई इन विटामिन डी. मोस्ट विटामिन डी इन अमेरिकन डाइट कम्स फ्रॉम द फोर्टिफाइड फूड, फूड टू विच विटामिन डी हैज़ बीन एडेड सच एज मिल्क. फैटी फिश लाइक ट्यूना, मैक्सेल एंड सालमोन आर अमंग द फूड नेचुरली हाइएस्ट इन द विटामिन डी. मशरूम्स ऑल्सो हैव अ सम नेचुरल डी कंटेंट इन एडिशन टू मिल्क. ऑल्सो अदर फूड टू विच विटामिन डी इज टाइपिकली एडेड इंक्लूड द ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड सम टाइप ऑफ ऑरेंज जूसेस एंड योगर्ट. विटामिन डी जो है बहुत ही कम फूड है उसके लिए, तो उसमें से ही फैटी फिश जो है, फैटी फिश जिसमें से हम बोल सकते हैं ट्यूना, मैकरेल और सालमोन, ये जो फिश है उनमें ज़्यादा विटामिन डी की मात्रा रहती है. ये हमें सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात है. दूसरा तो हमें पता है मिल्क या फिर हम दूसरा जो सीरियल्स है उसमें भी विटामिन डी थोड़ी मात्रा में रहता है. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं. कैन अ पर्सन हैव टू मच विटामिन डी. क्या पर्सन को, क्या लोगों को विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है. तो ऑप्शन ए इज़ यस, ऑप्शन बी इज़ नो. द राइट आंसर इज ऑप्शन
ए यस। विटामिन डी की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो सकती भी है, कैसे? तो एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं इसका क्या है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव टू मच विटामिन डी, दिस मोस्ट कॉमनली ऑकर व्हेन द पीपल टेक टू मेनी विटामिन डी सप्लीमेंट्स। ये कब होता है? जब कोई पर्सन विटामिन डी के सप्लीमेंट ले रहा होता है और वो ज़्यादा मात्रा में लेता है, तब विटामिन डी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। साइंस ऑफ द विटामिन डी टॉक्सिसिटी कैन इंक्लूड डिक्रीज एपेटाइट, नॉजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होने से ये सारे सिम्टम्स भी दिखते हैं, दूसरे जैसे कि एपेटाइट जो है, भूख जो है कम लगना, नॉजिया फील होना, वॉमिटिंग होना, वीकनेस होना, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस। टू मच विटामिन डी कैन ऑल्सो राइज कैल्शियम लेवल, दैट कैन लीड टू हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन। ये तो हमें पता ही, ऑलरेडी हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को की लेवल या कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन करने में बॉडी की हेल्प करता है। अगर विटामिन डी की मात्रा बढ़ गई बॉडी में तो जाहिर सी बात है कैल्शियम की भी लेवल जो है वो बढ़ जाएगी, और उसके वजह से क्या हो सकता है, हार्ट रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है और डिसओरिएंटेड हो सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सम स्टडीज हाउ द शोज द विटामिन डी हेल्प्स द विद द वेट लॉस। कई ऐसे स्टडी मतलब हुए हैं, लेकिन विटामिन डी जो है वेट लॉस में हेल्प करता है, तो ऑप्शन ए इज़ ट्रू और ऑप्शन बी है फॉल्स। मतलब कई सारे लोग बोलते हैं कि वेट लॉस के लिए या फिर वेट ज़्यादा है तो विटामिन डी भी उनको सप्लीमेंट दिया जाता है, ऐसा कोई स्टडी हुआ है? तो इसका आंसर हम देखेंगे क्या है, आंसर ए इज़ ट्रू। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसका। अ स्टडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिलियन फाउंड दैट टेकिंग विटामिन डी सप्लीमेंट लीड टू वेट लॉस इन ओबेस एंड ओवरवेट पीपल हु हैड विटामिन डी डिफिशियंसी। मतलब ये एक जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने ये मतलब एक रिसर्च किया है, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि विटामिन डी से वेट लॉस भी होता है। जो ओबेस है, ओवरवेट पीपल है, उनको विटामिन डी की सप्लीमेंट दी गई थी तब उनका वेट जो है वो कम भी हुआ था। द रिसर्चर्स बिलीव्स दैट विटामिन डी सप्लीमेंट हेल्प टू वेट लॉस एंड इन्हांस द इफेक्ट ऑफ लोअर कैलोरिक डाइट। द रिसर्चर्स सजेस्ट दैट ओबेस पीपल शुड बी चेक फॉर विटामिन डी डिफिशियंसी इफ़ द कंडीशन इज प्रेजेंट बीइंग टेकिंग सप्लीमेंट। अगर जो ओवरवेट पेशेंट है, ओवरवेट लोग है, ओबेस लोग है, तो उनके विटामिन डी की डिफिशियंसी है क्या, वो चेक भी करनी चाहिए। अगर है तो उसके लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट है वो भी प्रिस्क्राइब किए जाए। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारे अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।